वही सुबह के 8 बज रहे हैं एंड क्या बताऊँ, दो तीन बार आँख खुली थी लेकिन फिर भी मैंने बोला यार नींद पूरी करते हैं। अभी भी ऐसा गर्मी 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 के चक्कर में नींद खुल गई, क्या बोले आप, फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल। लेकिन काम था, निपट गया है, पापा से बात हुई, बोल रहे थोड़ी देर में आ जाता हूँ नीचे, फिर निकलेंगे घर के लिए। दे रहे हैं सुबह से हम लोग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। या परसों वाला व्लॉग जो है वो अभी तक एडिट नहीं किया, अपलोड नहीं किया है, और जो कल वाला व्लॉग है उसको आज लेट नाइट क्लोज किया, क्योंकि क्या करें भैया, मैं सोच रहा था उसको कंटिन्यू भी कर लेता हूँ लेकिन फिर मैंने बोला यार इतनी मेहनत अभी कौन करेगा, क्योंकि पूरा शेड्यूल अपसेट हुआ पड़ा है। डैड अभी भी वेसल के ऊपर ही हैं और पता नहीं कितनी देर में फ्री होंगे, थोड़ी देर पहले बोले थे आधे घंटे तक फ्री होंगे, अभी तक नहीं हुए हैं। भैया गाड़ी का हाल देख लो, समझ नहीं आ रहा वैसल है या कबाड़ की दुकान है, पूरा जंग खाया हुआ लग रहा है। अभी तक तो काम भी चालू नहीं हुआ है। रात को यही गाड़ी अपना घर था, यही गाड़ी अपना पलंग था, और अच्छा हुआ यार यही लेकर आया, एक्सयूवी लेकर आता तो मैं रातों बहुत अनकंफर्टेबल रहता, इसमें तो चलो फिर भी ढंग से आराम किया। पापा वेसल से उतर चुके हैं, उनको लेते हैं, जाते हैं, एक चाय पीते हैं और फिर निकलेंगे घर के लिए। घर जाके मुझे भी नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, बट ये बात पक्की है फिलहाल व्लॉग अपलोड नहीं करूँगा, वो शायद तक अभी दोपहर के लिए टल गया। ब्रेकफास्ट टाइम, सुबह के 9:30 एंड ऑफिशियली वी आर आउट ऑफ मुंद्रा सिटी। रूट दूसरा वाला लिया है क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द ट्रक ट्राफिक अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी सीन कुछ ऐसा है, भिवाड़ी करके एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पे अपने कुछ कंटेनर्स आज खाली होंगे, कार्गो उसमें स्क्रैप है। हिमांशु और सनी भैया करके हैं अपने, वो जा रहे हैं बिकॉज दे आर इन दिल्ली ओनली टू अटेंड टू दिस जॉब। मोस्ट प्रोबेबली 11:30 तक पहुँचेंगे और एक और सर्वेयर रहेगा, उनके साथ जॉइंट सर्वे करेंगे आज। देखो अगर एक दिन में निपटता तो ठीक है, नहीं तो कल का और एक दिन इनको जाना पड़ेगा। हमारा बेल्जियम बेस्ड एक क्लाइंट है, उसकी तरफ से एक नॉमिनेशन आया था, काफ़ी फॉलोअप करने का, फाइनली मतलब ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट 2 वीक से इसके ऊपर फॉलोअप कर रहे हैं, अब जाके वो काम हम अटेंड करेंगे। बाकी आज बस मैं ये प्रे करूँगा कि अब मैं घर पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं कोई फ़ोन करके ना बोल दे कि भाई मुंद्रा आना पड़ेगा। बाय द वे, जो साइक्लोन का फॉरकास्ट है टुवर्ड्स दिस रीजन, दैट इज़ कच्छ रीजन, उसके हिसाब से आज दोपहर से बारिश चालू होनी चाहिए। बूंदाबांदी का तो नहीं पता लेकिन बारिश चालू होनी चाहिए, एंड इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दैट देर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी शायद भैया जो फॉरकास्ट है वो सही पड़े, क्योंकि क्लाउड्स का कवर ऑलमोस्ट दिखने लग गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम टुनाइट ऑनवर्ड्स पोर्ट्स भी बंद हो जाएंगे, दे विल बी ऑल्सो ऑन रेड अलर्ट। भाई 10:30 बज रहे हैं और अपने शर्मा रिसोर्ट आ चुके हैं सीधा, एक ही बार घर के लिए निकलेंगे सामान लेके, सो दैट फिर से घर वाले ना भगाए।
थक गए यार, हाथ पैर कमर सब दर्द कर रहा है। तो ट्राई थी कि बच्चे के उठने से पहले घर पहुंच जाए, तो अगर सुबह वो उठे तो उसको ये ना हो कि पापा घर पे नहीं है। अभी मिसेस का फ़ोन आया एंड शी सेड भैया छूटते ही रोना चालू कि भाई उसके पापा किधर है। मैंने बोला 5 मिनट दो भैया, सामान ले रहे हैं और घर आ रहा है। हद होती है। हेलो, टाइम हो रहा है दोपहर के 2। थोड़ी देर आराम किया वापस से, कमर सीधी करी बेसिकली, और क्या बोलो यार, जो भी खाया पिया है ना वो ऊपर आ रहा है। यहाँ सुबह जो समोसा खाया या घर आके जो कॉफ़ी पीना, बेसिकली इट्स ऑल बिकॉज वी आर डिहाइड्रेटेड सीवियरली, क्योंकि 2-3 दिन से शरीर की खराबी चल रहा है। अब लंच टाइम हो गया है, थैंकफुली लंच में दही चावल है, सो दिस शुड हेल्प। साढ़े 8, नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ हो गई, चाय पानी करके शर्मा जाना है। वहाँ से लेकर आएंगे हम लोग हमारे लिए पास्ता, और वही आज रात का डिनर है। बाकी साइक्लोन से रिलेटेड भैया फॉरकास्ट था, दोपहर से बारिश चालू हो जाएगी, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन गर्मी इस टाइम पे मतलब शाम को ठंडा हो जाता है और अभी तबीयत से गर्मी पड़ रही है, तो आज रात को तो कन्फर्म है कि भैया आसमान फटेगा। रात के 9 और हम आ गए हैं शर्मा। फोन कॉल चालू था, कार चलाते चलाते बात करनी पड़ी, क्या बोले ऐसे ही एक लाइन तक वाला, उसमें भी चीटियां चढ़ी हुई हो। अरे मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, चीटियां हो या छोटे वाले कॉकरोचेस होते वो यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं अपनी मर्जी से नहीं आ रहा हूँ, मेरे को इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि दिस इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट। बस और क्या, मैंने शुभी से पूछा था फोन पे, था ना, मैंने कहा निकल जाओगे। रात के 10:30, खाना पीना हो गया है, उम्मीद करता हूँ आपका भी हो गया हो। भाई अभी तक तो कुछ बारिश वारिश पड़ी नहीं है, लेकिन यस शाम से ठंडी हवा चालू हो गई है चलना। हाँ गगा बेबी ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, हाँ गगा बेबी एक्साइटेड हो जाता है। चलो खोलो दरवाज़ा, अगर आपका टॉय गिर गया तो। गगा ने दिल्ली में जिप्सी सुना था, उतार दूंगी नीचे। गगा ने दिल्ली में जिप्सी सुना था, जिप्सी फिर चलो चलो, फिर आप भी तो बिल्ली हो ना, आज तो पंजे मार रही थी ना लाइट पे, चलो फिर बिल्ली से क्यों डर रहे, आप ही की प्रजाति है वो। बोलो कुछ, ये मेरी साइकिल है। 12:10 कम, अभी तक बारिश चालू नहीं हुई है, एंड प्रॉब्लम इज जो हवा चल रही थी, भले थोड़ी गर्म थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। सो पता नहीं क्या होगा रात को, बारिश पड़ेगी नहीं पड़ेगी या गर्म होता जाएगा। एनीवेज कल वाली वीडियो एडिट करना बाकी है, सो अभी थोड़ी देर में उसको भी एडिट कर देंगे, एंड वो वीडियो जो है वो टाइम से अपलोड करेंगे, मतलब कि अपना कल सुबह 9:33 पे वो पब्लिश हो जाएगा। बाकी क्या बोलें, संडे है कल, कुछ खास काम तो है नहीं करने के लिए, बट यस मंडे की तैयारी करनी पड़ेगी। सारे काम है जो टल गए इस वीक ऑफिशियल, उनको अब हम मंडे से रिज्यूम करेंगे, एंड लेट्स होप कि अगर ये साइक्लोनिक इफेक्ट जो कुछ भी रहता है वो नेक्स्ट दो एक दिन में निपट जाए, ज़्यादा उसको खींचे ना, क्योंकि भैया नेक्स्ट वीक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
दो तीन काम हैं जो पाइपलाइन में रहेंगे, एंड अगर बारिश रहेगा तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस, क्योंकि हमारा काम पोर्ट्स रिलेटेड ही है. एंड बारिश हुई मतलब काम या तो टलेगा या तो बारिश के मौसम में काम करना पड़ेगा, एंड इट विल बी वेरी रिस्की एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. क्या हो गया पापा? मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं बोर हूँ. क्या हो बोर? तुम बोर हो? हाँ. या तुम बोर हो रही हो? हाँ.